हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने रेडमी नोट 13 5G डिवाइस के अंदर, जिससे हम डबल प्रेस मतलब हम जैसे अपने पावर बटन पर क्लिक करके रखते हैं तो यहाँ पर हमारे हमारा जो गूगल असिस्टेंट है वो हमारा ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जैसे इस सेटिंग्स को आपको ऑन करना है आपके डिवाइस में भी, तो इस सेटिंग्स को हम कैसे ऑन कर सकते हैं अगर आपको डिसेबल करना है तो उसके भी बता देंगे। तो सिंपली यहाँ पर देखिए सेटिंग्स है, सेटिंग्स पर हमें क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर आ जाना है, सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पे सिंपली आपके यहाँ पे शो होगा एडिशनल सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग्स पर हम क्लिक कर देंगे। एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपके इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको गेस्चर शॉर्टकट का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे हम गेस्चर शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने का यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपको लॉन्च गूगल असिस्टेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए शो होता होगा प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन। देखिए लॉन्च गूगल असिस्टेंट है, यहाँ पर 0.5 सेकेंड हम क्लिक करके रखेंगे तो हमारा सिंपली ये ऑन हो जाएगा। अगर इसको आपको ऑफ़ करना है तो यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, फिर हम इस पर टैप करके रखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पावर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आना बंद हो गया, तो अगर आपको ऑन रखना है तो यहाँ से आप इसको ऑन रखोगे तो ये ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट को भी। तो वैसे आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब एंड बजाय करने ना भूलें। तो बस मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।